नमस्कार, मैं प्रतिमा पांडे, आप देख रहे हैं वाराणसी के मेहंदीगंज में आयोजित प्रधानमंत्री के जनसभा स्थल से क्लाउन टाइम्स की विशेष कवरेज। मैं क्लाउन टाइम्स के दर्शकों को बताना चाहती हूं कि प्रधानमंत्री मोदी ने आज 5 महिलाओं को किसान सखी के रूप में सम्मानित किया है। देखिए क्या कहना है इन महिलाओं का। भाई और बहनों, 21वीं सदी के भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक ताकत बनाने में पूरी कृषि व्यवस्था की बड़ी भूमिका। हमें वैश्विक रूप से सोचना होगा, ग्लोबल मार्केट को ध्यान में रखना होगा। हमें दलहन और तिलहन में आत्मनिर्भर बनना है और कृषि निर्यात में अग्रणी बनना है। अब देखिए, बनारस का लंगड़ा आम, जौनपुर की मूली, गाजीपुर की भिंडी, ऐसे अनेक उत्पाद आज विदेशी मार्केट में पहुंच रहे हैं। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट और जिला स्तर पर एक्सपोर्ट हब बनने से एक्सपोर्ट बढ़ रहा है और उत्पादन भी एक्सपोर्ट क्वालिटी का होने लगा है। अब हमें पैकेज फूड के ग्लोबल मार्केट में देश को नई ऊंचाई पर ले जा रहा है और मेरा तो सपना है कि दुनिया की हर डाइनिंग टेबल पर भारत का कोई न कोई खाद्यान्न या फूड प्रोडक्ट होना ही चाहिए। इसलिए हमें खेती में भी जीरो इफेक्ट जीरो डिफेक्ट वाले मंत्र को बढ़ावा देना है। मोटे अनाज श्री अन्न का उत्पादन हो, औषधीय गुण वाली फसल हो या फिर प्राकृतिक खेती की तरफ बढ़ना हो, पीएम किसान समृद्धि केंद्रों के माध्यम से किसानों के लिए एक बड़ा सपोर्ट सिस्टम विकसित किया जा रहा है। मैं प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने पहली फाइल जो साइन की वो किसान सम्मान निधि किसानों के खाते में डालने की। सबसे पहले उन्होंने किसान की चिंता की और इसी से सिद्ध होता है कि किसान और कृषि विकास उनकी प्राथमिकता है। पहला कार्यक्रम भी अगर हुआ देश में प्रधानमंत्री जी का, इस दिव्य और भव्य काशी में हुआ और वो भी किसान सम्मेलन के रूप में। कृषि सखियों को प्रमाण पत्र का वितरण भी उन्होंने किया। प्रधानमंत्री जी ने जो 4 जातियां बताई, किसान, गरीब, महिलाएं और युवा, आज उन्होंने अपने उद्बोधन में स्पष्ट किया, उनका संकल्प व्यक्त किया कि किसानों की आय हो, बहनों को लखपति दीदी बनाना हो या गरीबों का कल्याण हो और नौजवानों का उत्थान हो, इसके लिए सरकार कटिबद्ध है। और किसान तो हमारे लिए भगवान है, किसान की सेवा भगवान की पूजा है, तो वो मानकर ही हम
किसानों के कल्याण के लिए भी काम करेंगे और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम न केवल विकास बल्कि सबके कल्याण में दिन और रात एक करेंगे। मैं गुजरात से आई हूँ, आशा चौधरी मेरा नाम है। बहुत अच्छा फील हो रहा है मुझे कि मैंने कृषि सके मैंने इन सारे का काम किया और आज मुझे प्रधानमंत्री ने यहाँ तक बुलाया तो मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। मेरा नाम रुक्मणी कौशिक है सर, और अच्छा लगा सर। और कोई? मैं जैविक खेती कर रही हूँ सर, उसमें जैविक खाद डालते हैं और जैविक कीटनाशक दवाई भी डालते हैं। जैविक खाद का नाम है जैसे कि घना जीवामृत, द्रव जीवामृत और अजोला, नाडेप, गेजुआ खाद, वर्मी कंपोस्ट। और कीटनाशक दवाई का नाम है निमास्त्र, ब्रह्मास्त्र, अग्निअस्त्र, खट्टा मट्ठा। और कम लागत में ज़्यादा उपज आ रहा है, जैसे श्री विधि धान लगाते हैं तो 2 किलो का बीज उपचार करते हैं तो 1 एकड़ में लग जाता है। कम लागत में ज़्यादा उपज आ रहा है। और यहाँ से जाकर क्या करेंगे? समूह के माध्यम से आजीविका भी कर रहे हैं, मुर्गी पालन कर रहे हैं, मछली पालन, बकरी पालन, रेशम धागा करण भी कर रही हूँ। इनका इनकम ही आ जाता है 1 लाख तक। मेरा नाम रूपा हिरवार है, मैं मध्य प्रदेश से हूँ और प्रधानमंत्री से मुझे मिलने का अवसर कृषि सखी के द्वारा, आजीविका मिशन के द्वारा मिला है। मेरा नाम है मीरा पाल, मैं ब्लॉक पिंडरा की रहने वाली हूँ। देखिए मैं जैविक खेती बारे में कार्य करती हूँ थोड़ा, और यहाँ पर मैं जैसे कि पहले लोग रासायनिक खेती के बारे में कार्य करते जिससे बीमारियाँ बहुत ज़्यादा फैलती थी। अब जब लोग अपना खाद कंपोस्ट खाद घन जीवामृत इस तरह से बनाकर लोग खेत अच्छा पैदावार करते हैं। बस तो 2 बीस की खेती है जिससे मैं सब्जियां इकट्ठा करती हूँ और मार्केटिंग में सेलिंग करती हूँ और उसके बाद मैं उस पैसे से मैं अपना दुकान खोली जिससे हमारा आजीवन हमारा जो बचत है अच्छा होता है। और बाकी महिलाओं को मैं ट्रेनिंग दिलाई हूँ और बाकी महिलाएं भी उस तरह काम करती हैं जिस तरह से हम बताते हैं। हमारे यहाँ ट्रेनिंग हुआ है परमानंदपुर में ट्रेनिंग हुआ है जिससे कि 35 महिलाओं को मैं ट्रेनिंग दिलाई हूँ। इस तरह से कार्य करने सबका आजीविका अच्छे से बढ़ गया है। नमस्कार, माझा नाव रूपाली रितेश पाडर, गाव आपटी, तालुका कारंजा, जिल्हा वाशिम, राज्य महाराष्ट्र, उमेद अभियान, महाराष्ट्र ग्रामीण जीवनोती उमेद अभियानमध्ये मी कृषी सखी म्हणून कार्यरत आहे। आणि कृषी सखीच्या माध्यमातून म्हणजे सेंद्रिय शेती कशी करायची याच्या माध्यमातून मला मंत्रीजींनी इथे बोलण्याची संधी मिळाली आहे, धन्यवाद। क्लाउन टाइम्स की खबरों को यूट्यूब चैनल पर आगे भी देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। क्लाउन टाइम्स की खबरों को फेसबुक पेज पर देखने के लिए पेज को लाइक जरूर करें।